हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कंप्लीट किया है। उसमें मैंने अलग अलग तरीके से आपको बताया था कि व्हेन डेल्टा पी इक्वल विद द डेल्टा एक्स मींस अनसर्टेनिटी इन अ मोमेंटम, यदि अनसर्टेनिटी इन अ पोजीशन के इक्वल हो जाए तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। अनसर्टेनिटी इन अ वेलोसिटी इक्वल हो जाए अनसर्टेनिटी इन अ पोजीशन के साथ तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया था। एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ न्यूक्लियस, उसके बारे में भी हमने बात करी थी। अब ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स के दो प्रिंसिपल हैं। ये प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए है, अब आज हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कौन सी चीज है ये, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। हम देख चुके हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन उस बोर एटॉमिक मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस है। वो बोर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन को सॉल्व कौन करेगा, तो वो सॉल्व करेगा क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स थियरी जो है, जो एटम को एक्सप्लेन करती है, वो सबसे बेहतरीन थियरी है। ओके, मेजॉरिटी ऑफ टीचर इस थियरी को टच नहीं करते हैं, ये थियरी नहीं समझाते, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी जरूरत होती नहीं है एक दो पॉइंट को छोड़ के। लेकिन फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे। इसका रीजन यह है कि कहीं से क्वेश्चन नहीं आया, दैट डजंट मीन कि वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम पूरी पढ़ेंगे इस थियरी को। क्वांटम मैकेनिकल थियरी समझने से पहले हमको कुछ न्यूटन के लॉ पता होने चाहिए। अब न्यूटन जो है, न्यूटन के लॉ किसके ऊपर डिपेंड करते थे, तो न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन मैक्रो पार्टिकल्स। मैक्रो पार्टिकल्स के ऊपर न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल थे, और इसके थ्रू न्यूटन ने जो भी मैकेनिक्स डेवलप किया, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। इसका नेम क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो न्यूटन डेवलप अ क्लासिकल मैकेनिक्स, एंड दिस क्लासिकल मैकेनिक्स इज ओनली एप्लीकेबल ऑन ए मैक्रो पार्टिकल्स, मीन्स जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं सिर्फ उसी के ऊपर ये एप्लीकेबल था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सन के अराउंड जो है वो अर्थ मूव करती है, राइट? तो ये अर्थ जो है वो मूव करती है, वो किसके लॉ के थ्रू समझ पा रहे हैं हम लोग, न्यूटन्स के लॉ के थ्रू ये चीज समझ पा रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज, यहां से ये पेन को मैं छोड़ दूं तो कहां जाएगा, नीचे के ऊपर, नीचे जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ के थ्रू ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाती है। मैं नहीं बोल रहा कि न्यूटन ने ये चीजें खोजी थी, मैं बोल रहा हूं सिर्फ न्यूटन के लॉ के थ्रू इस चीजों को समझाना बहुत आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है, पोजीशन एंड मोमेंटम किसी भी मैक्रो पार्टिकल की एक साथ फाइंड करना मुमकिन है ड्यू टू न्यूटन्स लॉ। जैसे कि मैंने प्लेन की बात करी थी, तो प्लेन एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, प्लेन को हमें ब्लास्ट करवाना है तो करवा सकते हैं। मींस पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों एक साथ एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं मैक्रो पार्टिकल्स का। तो ये सारी चीजें कौन समझाता है, न्यूटन्स लॉ। तो ध्यान रखना, न्यूटन्स लॉ के थ्रू हम लोग पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों एक साथ मेजर कर सकते हैं। पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ वी कैन मेजर करेक्टली फॉर अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बट बात आती है अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, तो समझ लो न्यूटन्स लॉ किस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो न्यूटन्स लॉ बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे कि ड्यूअल नेचर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ड्यूअल नेचर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द न्यूटन्स लॉ। दूसरा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द न्यूटन्स लॉ। तो ये दोनों चीजें न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, याद रखना, कांट एक्सप्लेन बाय द न्यूटन्स लॉ। तो ये दोनों पॉइंट यदि न्यूटन नहीं समझा सकता, तो इसके लिए एक नए मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी, और वो मैकेनिक्स का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं उसे, क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हम ये चीजें पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो ड्यूअल नेचर को समझा रहा है। इट कैन एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ माइक्रो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड एटम। एटम में सारी चीजें आ गई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारी चीजें। एंड सेकेंड, इट कैन एक्सप्लेन ऑल्सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो ये जो लिमिटेशन थी न्यूटन्स क्लासिकल मैकेनिक्स की, वैसे देखा जाए तो वो ही यहां पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स. तो जो चीजें क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा सकता है वो ही चीजें हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब ये क्वांटम मैकेनिक्स को किसने डेवलप किया है? तो देयर आर टू साइंटिस्ट, एक तो आप जानते हो दैट इज हाइजेनबर्ग. एक कौन है? हाइजेनबर्ग. और दूसरा कौन है? तो दूसरा है श्रोडिंजर. इसका पूरा नेम है इरविन श्रोडिंजर और ये वर्नर हाइजेनबर्ग. तो वर्नर हाइजेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंजर ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करा है. अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उन्होंने एक पॉइंट बताया है जिसे आपको एक्सेप्ट करना है. एच कैरेट साई इज इक्वल टू ई साई या ई साई इज इक्वल टू एच कैरेट साई, कुछ भी लिखो आप. याद रखना ये एच के ऊपर जो मैंने सिंबल किया हुआ है दैट इज कैरेट बोलते हैं उसे, एच कैरेट साई बोलते हैं इसे, साई. एंड ये है ई साई. तो ये हैमिल्टोनियल फैक्टर है. क्या बोलते हैं इसे? हैमिल्टोनियन फैक्टर. याद रखना एच कैरेट को बोला जाता है हैमिल्टोनियन फैक्टर इज इक्वल टू ई साई. ई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. अब क्वेश्चन आता है ये साई क्या है? तो साई के बारे में अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं मैं. साई इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन. साई क्या है? वेव फंक्शन है. अब ये एक्चुअली क्या है? तो देखो ध्यान से, यहां से मान के चलो कोई वेव निकल रहा है लाइक दिस. तो यहां पर ये जो हाइट आई इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. एंड दिस एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज रिप्रेजेंट बाय साई. अंडरस्टूड? तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के इक्वल ये साई की वैल्यू होती है, ये याद रख लेना है आपको. अब दूसरा पॉइंट यहां पर आता है, हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर दोनों ने इस मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप तो किया, बट उसमें से जो श्रोडिंगर है उसने एक इक्वेशन बताया. वो इक्वेशन को याद रखना है आप लोगों को क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है. दैट इज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. अब आपको लगेगा सर क्या बोल रहे हो, दैट इज डेल. याद रखना डेल, इसको आप लोग डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी लिखो, इट इज ऑल्सो करेक्ट. कभी कभी बहुत सारी बुक्स ऐसी है जिसमें डेल स्क्वायर साई लिखा हुआ मिलेगा, तो बहुत सारी बुक्स ऐसी है जिसमें डी स्क्वायर साई लिखा हुआ मिलेगा. डोंट वरी, इसका मतलब सेम है. इसका मतलब क्या है देखो, आप जानते हो डी बाई डी एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन. क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन. आप बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में सर ने पढ़ाया होगा आपको कि डी बाई डी एक्स एक्चुअली क्या है, तो इट इज अ डिफ्रेंशिएशन, राइट. तो यहां पर ये साई को मैं हटा लू तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है? डबल डिफरेंशिएशन. लेकिन ये डबल डिफरेंशिएशन किसके ऊपर करना है? तो साई के ऊपर. तो इसे मैं बोल सकता हूं डबल डिफरेंशिएशन. ओके, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दी साई. साई का डबल डिफरेंशिएशन है जिसके थ्रू हम साई को सॉल्व कर पाएंगे, साई की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे. तो किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन है, इसका सॉल्यूशन हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें इक्वेशन याद रखना है. तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर. अब ये एक्स वाई एंड जेड क्या है? तो ये एक्सिस है बेटा, x-axis, y-axis, z-axis, और इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मूव कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है. ये तीनों एक्सिस के ऊपर, जैसे कि ये बॉल है तो बॉल की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन कहां पर मूव कर सकता है? जैसे कि आप एक फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कहां कहां मूव करेगा? कोई भी सरफेस के ऊपर, कोई भी तरफ मूव करेगा कि नहीं? तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई एंड जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, तो यहां पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर. अब एक पॉइंट आ रहा है, दैट इज 4 पाई स्क्वायर. पाई की वैल्यू तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला. नीचे आएगा लैम्डा स्क्वायर, यहां पर आएगा साई और ये होगा जीरो.
इसी को हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं। अब श्रोडिंगर इक्वेशन ये वाला कोई नहीं बताता है, एक और बताते हैं हम लोग जो फेमस है, लेकिन उसे हम डिराइव करेंगे कि एक्चुअली वो कैसे आता है। देखते हैं, जरा ध्यान देना। यहां पर ये जो 4π² / λ² है उसको थोड़ा ध्यान दो, 4π² / λ² तो यहां पर हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ चुके हैं। डी ब्रोगली में हमने क्या पढ़ा है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, पढ़ा है कि नहीं। इसी को बोलते हैं एच बाय पी, एम वी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, पी। तो ये जो लैम्ब्डा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लैम्ब्डा स्क्वायर है तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा 4π² नीचे आएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। बोले बात समझ में आ रही है, ये क्या किया मैंने, ये लैम्ब्डा की जगह मैंने क्या रख लिया एच अपॉन पी, दैट इज एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा 4π² पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बनेगा कि नहीं ये। तो ये 4π² पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ये फॉर्मूला बन रहा है। मान के चलो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब हम क्या करते हैं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला लेते हैं। ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है हमारा 1/2 mv², है कि नहीं। अब हमको यहां पर पी स्क्वायर की वैल्यू लानी है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू लाने के लिए मुझे ये एम वी को पी में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम कर लो। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आएगा 1/2 m² v² अपॉन एम, आएगा कि नहीं। ऊपर में m से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे में m से मल्टीप्लाई कर लो, तो m² v² अपॉन m आएगा। ये m² v² क्या है, इट इज अ p स्क्वायर। तो यहां पर बनेगा p² अपॉन 2m। ये 2m को मैं ke के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो p² का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, 2m को मल्टीप्लाई कर लो तो यहां पर बनेगा 2m ke बनेगा कि नहीं। अब ये 2m ke मैं यहां पर रख लूं, तो फ्रॉम इक्वेशन टू क्या बनेगा बोलिए, 4π² λ² इज इक्वल टू 4π² पी स्क्वायर की जगह क्या रखो, 2m के लिए पी स्क्वायर की जगह रखना है, इसका स्क्वायर नहीं करना हमें। तो ये बनेगा 2m के ई अपॉन एच स्क्वायर तो है ही। अब ये 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये बनेगा 8π² m के ई अपॉन एच स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी मुझे यहां पर स्पेस चाहिए, इसे नोट करिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, फिर हम लोग यहां पर इक्वेशन को डिराइव करते हैं। हो गया, निकाल दो, चलिए निकाल देता हूं बेटा। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 4π² λ² की, राइट। के ई की वैल्यू लानी है, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी एटम की टोटल एनर्जी जो होती है वो दो एनर्जी का सम होता है, वन इज अ काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड इज अ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का टोटल होता है, ये टोटल एनर्जी को ई बोलते हैं, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी को वी बोला जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को वी बोला जाता है, ध्यान रखना। अब ये वी जो है, मैं के ई को मास्टर करूं चलो, तो क्या होगा, ई माइनस वी। ये इक्वेशन या ये फॉर्मूला जो है, इसको इक्वेशन 3 में रखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब 3 नंबर का इक्वेशन क्या आएगा, तो बनेगा 4π² अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 8π² एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इस इक्वेशन में 4π² λ² है, 4π² λ² उसकी जगह मैं ये पूरी वैल्यू रख लू तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर की जगह आएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी। अब यहां पर गलती करते हैं स्टूडेंट जी, साई लिखना भूल जाते हैं, डोंट मिस्टेक बेटा, साई इज इक्वल टू जीरो, डोंट डू अ मिस्टेक। यहां पर आपका ये फॉर्मूला बना जिसे हम लोग श्रोडिंजर इक्वेशन बोलते हैं, श्रोडिंजर इक्वेशन, इट इज अ वेरी फेमस इक्वेशन। इसका हमें इसे सॉल्व नहीं करना, यदि हम इसे सॉल्व करें, ये बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करना इस लेवल पे, लेकिन यदि आप लोग इसे सॉल्व करोगे आगे के स्टैंडर्ड में, यदि आप लोग केमिस्ट्री के साथ आगे पढ़ रहे हो और उसमें भी आपने फिजिकल केमिस्ट्री लिया तो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ोगे तब पता चलेगा कि जब हम इसे सॉल्व करते तो हमें एक पॉइंट मिलता है, दैट इज साई एन एल एम एल, और यहां पर मान के चलो मैं 2s ऑर्बिटल के लिए इसे सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा 200। अब ये क्या है तो एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने ही वाले हैं इसका। साई एन एल एम एल, यहां पर n की वैल्यू आ गई, ये l की वैल्यू आ गई और ये ml की वैल्यू आ गई, ये क्वांटम नंबर है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर क्या होते हैं डोंट वरी अभी नहीं पता चलेगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वांटम नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। ओके चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटे क्विक रिविजन कर लेते हैं। क्विक रिविजन के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहां पर लिखे हैं जो आपको याद रख लेने हैं, इस फॉर्मूला की इस चैप्टर के अंदर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन व्हिच आर गोइंग टू सॉल्व डायरेक्टली फ्रॉम दिस फॉर्मूलाज। ओके तो ये फॉर्मूला को याद करो, आर एन रेडियस, कोई भी ऑर्बिटल की रेडियस या ऑर्बिट नंबर की रेडियस हम लोग इससे निकाल सकते हैं 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, एंगस्ट्रॉम में आता है ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। यह है वेलोसिटी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो 2.18 into 10 to 6 ऊपर आएगा एटॉमिक नंबर, नीचे आएगा ऑर्बिट नंबर। ओके EN एनर्जी निकालनी है तो -13.6 ऊपर आएगा z स्क्वायर, नीचे आएगा n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम, और ये तीन डायरेक्टली याद रख लो, वैसे तो हम डिराइव भी कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है डिराइव का, क्योंकि डिराइव करेंगे और फिर वापस तो आपको ये याद ही रखना है डायरेक्टली। काइनेटिक एनर्जी होती है kZe स्क्वायर अपॉन 2R, K को हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, याद रखना K को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जरूरत नहीं है क्या है वो, उसकी कोई जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली, लेकिन डायरेक्टली अभी याद रखो kZe स्क्वायर अपॉन 2R काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस kZe स्क्वायर अपॉन R, नीचे से 2 हट जाता है, और एनर्जी होती है kZe स्क्वायर अपॉन 2R, मींस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाता है। इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं तो देखो, पहला तो हम लोग एक काम करें, टोटल एनर्जी किस तरह से निकाल सकते हैं, तो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, होती है कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा श्रोडिंगर इक्वेशन देखा, उसके अंदर एक पॉइंट की बात कर ली हमने, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का टोटल करना है। अब टोटल करेंगे हम लोग तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के जेड स्क्वायर अपॉन 2R प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस है तो माइनस करूं मैं प्लस की जगह, और यहां पर बनेगा के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए ये पूरा है और ये हाफ है तो क्या बचेगा, माइनस हाफ बचेगा, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्चुअल में मैं ऐसे लिख सकता हूं तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए, वन हाफ, तो के जेड स्क्वायर आर उसका आधी वैल्यू ले ली और ये पूरी वैल्यू है तो एक में से आधा चला जाए, आधा रह जाएगा तो क्या बचेगा, बोलिए के जेड स्क्वायर अपॉन 2R बचेगा, ये आपकी क्या मिलेगी, एनर्जी जो यहां पर मैंने लिखी है। ओके अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि कंपेयर द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को मुझे कंपेयर करना है, मैं कंपेयर करूं तो यहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करना है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखो कितनी है, के जेड स्क्वायर अपॉन 2R इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर
अपॉन आर, राइट। अब बेटा ध्यान रखो, ये जो 2 है मीन्स ये आधी वैल्यू है, आधी वैल्यू को मुझे इसके साथ कंपेयर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 के जेड स्क्वायर अपॉन 2 आर इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो इसका मतलब ये बनेगा कि ये क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए समझ में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल सिर्फ नेगेटिव होता है काइनेटिक एनर्जी के कंपेयर में, और काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। ये याद रखना है पॉइंट आपको। दूसरा एक क्वेश्चन यहां पर हम बना सकते हैं, कंपेयर दी पोटेंशियल एनर्जी एन, या कंपेयर दी काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी, ये दोनों को कंपेयर करो। अब क्या कंपेयर करो, दोनों सेम ही है। देखो काइनेटिक एनर्जी को मैं एनर्जी के साथ कंपेयर करूं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के जेड स्क्वायर अपॉन 2 आर इज इक्वल टू एनर्जी की वैल्यू है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2 आर। सिर्फ माइनस का फर्क है, तो यहां पर कंपैरिजन में निकल के आ रही है बात, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी के साथ नेगेटिव सिंबल में आ जाएगी। मीन्स काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी उससे ऑपोजिट सिंबल में एनर्जी आएगी, या एनर्जी होगी उससे ऑपोजिट सिंबल में काइनेटिक एनर्जी आएगी। बहुत सिंपल सी बात है ये। और एक क्वेश्चन यहां पर बना सकते हैं, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लिख के रखना आप लोग। अब और एक कंपैरिजन बनती है यहां पर, कंपेयर दी पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी को कंपेयर करो। तो पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी के इक्वल कब होती है, तो ये है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2 आर। यहां पर 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा तभी ये 2 कैंसिल आउट होंगे, तो माइनस के जेड ई, माइनस माइनस हटा लू मैं, और यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर 2 आर, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करने से पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 2 गिव अस पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 2 गिव अस पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी बोथ आर सेम। तो काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करो पोटेंशियल एनर्जी देगा, एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करो पोटेंशियल एनर्जी देगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी दोनों तो सेम है। बोलो बात समझ में आ रही है? So, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। एक चार्ट पेपर ले लो और इसके अंदर इसे लिख लेना, आई गारंटी यू इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ही याद कर लो इसे प्रॉपरली, ओके। चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अब बात करनी है ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट क्या होती है, फिर उसके बाद हम ऑर्बिटल क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है ऑर्बिट और शेल को समझना। मान के चलिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया एक ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कोई सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट हो रहा है, उसी सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। द सर्क्यूलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सर्क्यूलर पाथ होते हैं, और इस डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर पाथ जो है इसको हम लोग अलग अलग नेम से जानेंगे, इसे हम बोलेंगे ऑर्बिट, या इसे हम शेल भी बोल सकते हैं, शेल। अब इसके कुछ नोटेशन है जो याद रखने, ये होता है n इज इक्वल टू 1, ये होता है 2, ये 3, 4, 5 ऐसे। तो इसके नोटेशन क्या है, k, l, m, n, o एक्सेट्रा इसके नोटेशन होते हैं। तो ये आपके ध्यान में आने वाली बात है कि ऑर्बिट जो है इसको हम लोग के एल एम एन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, एज वेल एज उसके नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप लोग, ये होगा के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक्सेट्रा। बोलो समझ में आ रही है बात? तो ये हो गई आपकी ऑर्बिट, दैट इज शेल। शेल क्या है, वेयर इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट। तो दिस इज द सर्क्यूलर पाथ, दिस इज द सर्क्यूलर पाथ। सर्क्यूलर पाथ कहां पर बेटा, तो दिस इज द सर्क्यूलर पाथ सराउंडिंग द
सराउंडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट, वेयर इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट और रिवॉल्व। तो ये चीज समझ लो, एक ऐसा सर्कुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, दैट इज ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या होती है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। देखो एक ऐसी चीज है, एक चीज दिमाग में बिठाना, अब जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा वो आप 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ के आए हो उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा, या आपके दिमाग में थोड़ा स्ट्राइक हो सकता है कि ऐसा हमने नहीं पढ़ा था। जैसे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन को नहीं बता सकते, वो हाइजेनबर्ग से हमें पता चल गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे और कौन से सर्कुलर पाथ पे ही वो होंगे वो भी फाइंड नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ वो बोल सकते इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर सकते, हम कभी नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ यही होंगे, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। तो हम क्या बता सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर है। एंड जब हम लोग कोई ऐसा एरिया रिप्रेजेंट करें जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। तो ध्यान रखना ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। The finding an electrons, probability of finding an electrons is maximum. This area is known as the orbitals. Okay? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे probability of finding an electrons is maximum. Is called orbital. यहां पर लिखेंगे area where probability of finding an electrons is maximum is called orbitals. Orbital को थोड़ा सा elaborate करें हम लोग, तो orbital कौन से हो सकते, देखो ये nucleus है, यहां पर electron मिलने की probability सबसे ज्यादा है। हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन है कहां पर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी वाला एरिया है। इसको यदि मैं एक रूटीन एग्जांपल से कनेक्ट करूं तो हम अवर सेल्फ को हम इलेक्ट्रॉन मान ले, तो हम जिस मकान में रहते हैं, जिस बंगलों में रहते हैं या जिस घर में रहते हैं उसे हम ऑर्बिटल्स मान ले, और हमें मूव करने के लिए रोड के ऊपर आना होता है तो जो रास्ता है मूव होने के लिए उसे हम लोग ऑर्बिट मान ले। तो ऑर्बिट जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, आपकी मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी सोसाइटी में सबसे ज्यादा कहां पर, आपके घर पे। तो दैट मींस ये ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एंड ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो यदि मैं यहां से एक रिकनेक्ट करती हुई लाइन ड्रॉ करूं, ये सर्कुलर पाथ जो बन रहा है इस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट बोलेंगे, एंड ये जो व्हाइट कलर है इसे हम लोग ऑर्बिटल्स बोलेंगे, ऑर्बिटल, और ये है हमारी ऑर्बिट। ओके, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो दिस इज न्यूक्लियस, ये पहला सर्कुलर पाथ है, फिर ये दूसरा सर्कुलर पाथ है, तीसरा, ऐसे अलग अलग सर्कुलर पाथ आते जाएंगे। ओके, हमें चार तक ही देखने हैं वैसे तो, आगे अब तक हमें ज्यादा डिटेल में आगे तक नहीं जाना है, फोर तक देखने हैं तब पता चल जाएगा आपको। ये है आपकी n is equal to 1 वैल्यू, ये है 2, 3, 4, तो ये ऑर्बिटल है KLMN, बोलो समझ में आ रहा है, तो ये ऑर्बिट नंबर पता चल गया। अब ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल की सबटाइप कितनी है, तो ध्यान रखना ऑर्बिटल कौन सी होती है, तो s p d एंड f ऑर्बिटल्स होती है। हमने ऑर्बिट की बात करी तो के एल एम एन ओ पी क्यू आर ऐसे आगे बढ़ेगी, तो ये एस पी डी एफ जी एच ऐसे आगे बढ़ेगी। अब ये ऑर्बिटल जो है उसकी सबटाइप्स देखनी है हमने, सबटाइप्स, तो एस की सबटाइप सिर्फ वन होती है, पी की 3, डी की 5 एंड एफ की 7। एस की सबटाइप 1 मींस वो एक्चुअली होती नहीं है, एस को ही हम लोग सबटाइप मान लेते हैं। तो ध्यान रखना कि S में सिर्फ एक ऑर्बिटल है। अब एक ऑर्बिटल को हम लोग वन बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे,
थ्री ऑर्बिटल है तो वहां पर थ्री बॉक्स बनाएंगे, थ्री बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइव ऑर्बिटल है तो वहां पर हम लोग फाइव बॉक्स से उसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सेवन ऑर्बिटल है तो उसे हम लोग सेवन बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करेंगे। Okay. तो ये बॉक्सेस से हम लोग ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान रखना, पहली जो ऑर्बिट है उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होती है और वो होती है एस, और कोई नहीं होता है। दूसरी जो ऑर्बिट है उसके अंदर एस भी होती है एंड पी भी होती है। तीसरी है उसमें एस पी एंड डी, ये तीनों होती है, एंड फोर्थ वन जो है उसमें एस पी डी एफ, ये सारे होते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है कि इन वन ऑर्बिटल देयर विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टू। याद रखना, इन वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? टू। यहां पर लिखा हुआ है मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टू, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर हो सकते हैं। अब ये एस है तो एस के अंदर कितने बॉक्सेस हैं? वन, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, और दो ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। अब ये स्पिन क्या है, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा। पी ऑर्बिटल है उसमें तीन है, पी ऑर्बिटल के अंदर तो यहां पर छह इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसमें फाइव है तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? टेन इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सेवन है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? फोर्टीन, फोर्टीन इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल के अंदर कितने जा सकते हैं वो डिपेंड करता है उसकी सब टाइप के ऊपर। जितनी सब टाइप ज्यादा उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे। समझ में आ रहा है? एस ऑर्बिटल की एक सब टाइप है तो दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। पी की सब टाइप तीन है तो उसमें छह इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं टोटल। डी की सब टाइप फाइव है तो डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? टेन। एंड एफ की सब टाइप सेवन है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? फोर्टीन जा सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब यहां पर याद ये रखो, बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पर ये पहली ऑर्बिटल है इसमें एस है और दूसरी में भी एस है, दोनों को अलग दिखाने के लिए इसको 1s बोल दो पहली ऑर्बिटल का, इसे 2s बोल दो, इसे 3s, इसे 4s। चले सेकेंड में p है तो इसे 2p बोल दो, थर्ड में p है उसे 3p एंड इसको 4p, थर्ड में d है इसे 3d, इसे 4d एंड यहां पर 4f आएगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको 1s दिखे या 2s दिखे या 3s दिखे, पता चलना चाहिए कि आगे का जो नंबर है वो ऑर्बिट नंबर है, ये ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? दो, तो इसे टू लिख सकते हो। तो ये टू जो आ गए वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ये सेकेंड पाथ आ गया, सेकेंड के अंदर एस है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। थर्ड नंबर है उसमें भी दो। नंबर पाथ कौन सा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कौन सी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कौन सी ऑर्बिटल? एस। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? दो, तो एस में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहे हैं। अब यदि मैं पी की बात करूं तो ये 2p है, 3p है। पी की शुरुआत सेकेंड पाथ से हो रही है, देखो तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? सिक्स, तो यहां पर सिक्स लिखो, यहां पर भी सिक्स। पी है सिक्स आएगा, चाहे पाथ कोई भी हो, पाथ कोई भी हो, पी है तो उसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन। यहां पर 4s भी लिखो तो दो आएगा, 4p भी लिखो तो छह ही आएगा। चलिए d की शुरुआत थ्री नंबर से होती है तो 3d, यहां पर 4d, d है कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 10, तो यहां पर 10 ही लिखेंगे हम लोग। एंड f, 4 नंबर पे f है तो f में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 14, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। अंडरस्टूड? तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना समझो कि कौन सी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब कैसे एंटर होंगे, क्यों एंटर होंगे, कितने एंटर होंगे, वो सारी चीजें हम लोग एनर्जी लेवल से पढ़ेंगे। तो कल के लेक्चर के लिए हम लोग रखते हैं यहां तक के पॉइंट को, और कल हम लोग पढ़ेंगे कि क्या एक्चुअल में क्वांटम नंबर होते हैं, ऑर्बिटल उसके शेप देख लेंगे, उसमें नोडल प्लेन क्या होता है,
वो देखेंगे, नोड क्या होता है वो देखेंगे, नोडल सरफेस नोडल प्लेन दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को देखेंगे अच्छे से और हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। दो तीन दिन का अब काम बाकी रह गया है थियरी का, तो वो खत्म करेंगे तो चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।